जिथे गुरद्वारे दे प्रधान बलवीर सिंह वालों लड़की नाल अश्लील हरकतां कीतियां गईआं जिसकी वीडियो गुरद्वारा साहिब विच लगे सीसीटीवी कैमरे विच कैद हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों बलवीर सिंह और लवप्रीत सिंह खिलाफ मामला दर्ज कर एक दोषी को काबू कर लिया गया पर दूसरे दोषी को सियासी शह से पुलिस काबू नहीं कर रही जिसनों लेकर पीड़ित परिवार ने कहा है कि उदों तक भुख हड़ताल और धरना जारी रखेंगे जदों तक आरोपियों को काबू कर बनती कार्रवाई नहीं की जा। मेरा नाम सुप्रीत कौर मेरे नाल बाबा बलवीर सिंह ते बाबा लवप्रीत सिंह ने धक्का किया ते उन्हां नूं पुलिस ने बाबा बलवीर सिंह नूं बाबा लवप्रीत सिंह नूं गिरफ्तार नहीं किया ते ओ बाबा लवप्रीत सिंह नूं गिरफ्तार करे। असीं इंसाफ लई धरने ते बैठे हाँ। 27/7 नूं थाणा खेमकरन 376 दा मुकदमा दर्ज होया जी। एक महीने तो वध हो गया दोषी नहीं पुलिस तो फड़े जाते। दो दोषी नामजद किए गए बलवीर सिंह भीरा जिहड़ा बाबा वह फड़िया गया लवप्रीत सिंह फरार आ ते पुलिस जिहड़ा सियासी शहर के उत्ते दोषियों नूं बचा रही आ ते इत्थे इनकुआरी जिहड़ी लगी है झूठी इनकुआरी बंद करना ते तुरंत दोषी नूं गिरफ्तार करना ते मैडम रिचा अग्निहोत्री ने इनकुआरी जिहड़ी आ आई ओ मैडम नरेंद्र कौर नूं महिदीपुर भेजा तो मैडम नरेंद्र कौर दोषियों के नाल रेस्टोरेंट के बह के इनकुआरी कर रही है तो तुरंत मैडम नरेंद्र कौर सस्पेंड किया जाए तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज साढ़े को तुरंत उन्होंने सस्पेंड किया जाए तो झूठी इनकुआरी जी खारिज की जाए तो दोषी गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल जी पुलिस सियासी जी शहत है वो बंदे इनकुआरी चो बाहर कर रही है तो ये अं इंसाफ की मांग करते हैं आने मिथे समय लिए भुख हड़ताल इतने रखी आ ते जिन्ना चर सानू इंसाफ ना मिलिया इत्थे उठना नहीं। अजे नहीं जी कोई आया साढ़े कोल अहीं जी इंसाफ ये चाहुंदे आ। वेखो एक महीने तो वध समय नूं हो गया परचा दर्ज होए नूं हाले तक जिहड़ा मेन दोषी आ लवप्रीत सिंह बलात्कार दे दोषी वेखो किड्डा संगीन जुर्म आ बलात्कार दे दोष चों वी जिहड़ा बंदा जिहनूं पुलिस जिहड़ी उह गिरफ्तार नहीं कर रही तो इत्थे इनकुआरी ला के ते सानू खजल खवार कर रहे ने और दोषी नूं जिहड़ा बचाउण दा हर हीला जिहड़ा वरत्या जा रहा ते असीं जिन्ना चिर सिट्टा रिपोर्ट सानू इनकुआरी दी नहीं मिलदी उन्ना चिर भुख हड़ताल जारी रहेगी। असीं इत्थों उठ के नहीं जाणा भावें असीं जिउंदे बच गए ते असीं भावें मरी गए भावें कुछ भी होवे असीं सिट्टा रिपोर्ट तों बिना नहीं जाणा और दोषी दी गिरफ्तारी तक असीं इत्थे बैठना। ये दो बंदिआं दे वरखला जिहड़ा परचा होया और एक तो दोषी जिहड़ा वह गिरफ्तार हो गया है पर एक दोषी जिहड़ा एक महीने तो उपर हो गया है उहदे घर जिहड़ी आ उह इत्थे दोषी एस एस बी दफ्तर ही घूमदा वेख्या है परसों इत्थे एस एस बी दफ्तर जिहड़ा दोषी जिहड़ा उह घूमदा वेख्या ते फिर ये कोई इंसान कोई इंसाफ तो नहीं ना इस करके जिहड़ा है असीं इत्थे जदों साडे सारे हीले मुक गए ने असीं सारे अफसरां नूं मिलदे रहे हां पर साडी जिहड़ी कोई खास किसे ने गल नहीं सुनी जदों नहीं गल सुनी तो फिर अहीं मारी दे अक के अंत नूं जिहड़ा वो साडे कोलों आहो हीला ही अहीं भुख हड़ताल दे बैठे हाँ जिन्ना चिर इनकुआरी की सिट्टा रिपोर्ट नहीं मिलती और दोषी की गिरफ्तारी नहीं होंदी अहीं जाणा नहीं गा। इस मामले संबंधी जांच अधिकारी ने कहा है कि एक दोषी नूं काबू कर लिया गया है जबकि दूजे की भाल जारी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी नूं बख्शा नहीं जाएगा। एक पॉक्सो एक्ट का मामला है जिदे विच ऑलरेडी जिहड़ा मुख दोषी है और अरैसट हो चुके हैं एंड उहदा असीं चलान तैयार कर लिया होया ते उह असीं हुण कोर्ट च पेश करन जा रहे हैं। जिहड़ा दूसरा दोषी लवप्रीत सिंह है उहनूं हर तरह असीं अरैसट करन की कोशिश कर रहे हैं एंड उहदे असीं वारंट भी लैण की कोशिश कर रहे हैं एंड उहदा भी चलान जिहड़ा है उह असीं जल्द तो जल्द कोर्ट च पेश कर देना है। साडा 60 दिन के अंदर अंदर असीं चलान पेश करना हुंदा है एंड उह 60 दिन पूरे होने वाले हैं एंड उस तो पहला ही असीं इन्हां दा दोषियों का चलान पेश कर देना है। उस मैटर की जांच साडे डीएसपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन कर रहे हैं
तो जो मैटर वैसे भी असी होर ऑफिसर नू तफ्तीश करन चलाया होया अजय डिप्टी साहब उन्होंने मैटर नू वेरीफाई कर रहे ने। हाँ जी जे उन्हां दी गलती पाई जाती तो जरूर कार्रवाई होएगी बट इस मैटर किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही एंड कुछ भी जो उदा का उदा ही है मैटर असी चलान पेश कर रहे हैं। खेमकरन तो रिंपल गोलन की रिपोर्ट। काले जादू दे माहर बाबा सुल्तान मिर्जा जी जो करनगे थवाड़ी हर समस्या दा हल। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लॉटरी लव मैरिज पति पत्नी विचरण बन विदेश विच पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 21 घंटिया विच समाधान मेरे तो पहला कम करन वाले नू मुंह मंगया इनाम। हर पासों निराश जो धोखा खा चुके ने एक बार जरूर आओ। फोन नंबर 85 293 80 408।